नेक्स्ट, ये देखो इस टाइप के काफी बार क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी लोग कर सकते हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म फोर्स है एक्ट ऑन ए पार्टिकल 2 kg, 2 kg का बॉडी है, उसमें फोर्स लग रहा है और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना, वर्क डन कैसे निकालते हैं यार ऐसे केस में, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वर्क डन। क्या होता है वर्क डन? होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप। हमें निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर पहले पार्टिकल यहाँ था और घूमते घूमते यहाँ आ गया यार, ठीक है, ये इनिशियल था। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, और फाइनली r2 पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ये वाला होगा जो येलो से बनाया हूँ, डेल्टा r। और चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल, मतलब r2 पोजीशन वेक्टर माइनस r1 पोजीशन वेक्टर। तो r2 पोजीशन वेक्टर क्या है भाई? तो r2 पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन टू फाइनल, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और इसमें मैं माइनस कर दूं 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है, 2i कैप माइनस 2i कैप और प्लस के कैप, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो 4i कैप में से 2i कैप आ गया, और प्लस 3j कैप वाला तो कोई है इसका है ही नहीं यार, और ये माइनस के और माइनस 2k कैप, ठीक है। दिस इज वॉट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है भाई, उसी को तो बोलते हैं। अब इसमें से इसके साथ डॉट ले लो, डॉट लेने सबको आता होगा, आई का आई, जे का जे, के का के। फोर्स कितना है? चलो फोर्स है इधर 3i कैप प्लस जे कैप, इसके साथ मैं किसका डॉट ले लूँ, इधर जो निकाला हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या है? वेक्टर का क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई का आई 6, जे का जे 3, ठीक है, और के का 0। तो ये 9 जूल जो है वो सोल्यूशन सही है कोई, हाँ मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है।